राज सिन्हा धमकी मामले में कांग्रेस ने पुलिस को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा विधायक राज सिन्हा को गुमनाम पत्र से मिली धमकी मामले की कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने भी जांच की मांग की है और धनबाद पुलिस के साथ साथ डीजीपी से मांग की है कि पूरे मामले की उचित जांच कर कार्रवाई की जाए। संबंध में राज सिन्हा ने स्थानीय थाना को भी लिखित रूप से शिकायत की है और उस पत्र को वो प्रेषित किया है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर जो है पत्र में और गाड़ी नंबर, पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि उस मोबाइल नंबर को जांच करे कि किसके नाम से मोबाइल नंबर है, किसके पास है भी कि नहीं है। और दूसरी बात है कि जो गाड़ियों की नंबर दी गई है, गाड़ियों की भी नंबर की सत्यता होनी चाहिए कि एक्चुअली उस नंबर की गाड़ी है, अगर है तो कहाँ है या नहीं भी है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी पुलिस की हो गई है और धनबाद पुलिस को चाहिए कि अगर एक विधायक को इस तरह की धमकी भरी पत्र मिलती है तो उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर हम समझते हैं कि डीजीपी को भी संज्ञान लेना चाहिए। सर एक चीज़ और है, ये विधायक जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, इसलिए कि आप अभी से 2 साल का अगर देख लीजिए तो 2 साल पहले जितनी हत्याएं और जितनी लूट मार और चोरी डकैती होती थी उस कंपैरिजन में अभी हेमंत सरकार जब से आई है तब से कम हुआ है। इसलिए ये कहना कि ये सरकार जब से आई है ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ बताते हैं कि जब बीजेपी का राज था तो कांग्रेस के यहाँ कदावर नेता लोग की हत्या हुई है, उसमें सुरेश सिंह है, उसमें नीरज सिंह है, और बिल्कुल शाम को दोनों हत्याएं शाम 7 बजे हुई थी। इसलिए ये कहना कि इनके राज में हो गया उनके राज में हो गया, इस तरह का कांग्रेस कभी आरोप दूसरे पार्टियां पर। साथ ही धनबाद महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष वैभव सिन्हा कहा कि व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल फोन के जमाने में पत्र लिखकर धमकी देना, कहीं ना कहीं इस पर भी जांच होना चाहिए ताकि पूरे मामले की सत्यता का पता चले। वहीं कहा कि अगर किसी प्रकार की धमकी विधायक को दी गई है तो पुलिस उसे जल्द से जल्द उद्भेदन करे ताकि इस तरह के अपराध पर नियंत्रण किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह से पत्र आई है उस पत्र की जांच होनी चाहिए, उस पर अंकित नंबरों की भी जांच होनी चाहिए, जिनके गाड़ी से रेकी की बात कही गई है, जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। आखिर कौन शख्स है जो सरकार को बदनाम करने के लिए माननीय विधायक को इस तरह का पत्र लिख रहा है और सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर धनबाद विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है तो चिंता का विषय तो निश्चित तौर पर है, लेकिन साथ साथ ये जांच का भी विषय है कि इतनी स्पेसिफिक जानकारी है, गाड़ियों का नंबर दिया गया है, मोबाइल का नंबर दिया गया है, तो इतनी स्पेसिफिक जानकारी होने के बाद भी अभी तक लोग क्यों नहीं खोजे जा सके हैं या क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं या क्यों नहीं जाँच हो पाई है, ये भी एक चिंता का, ये भी एक प्रश्न जरूर उठता है इस विषय पर। और घटना 22 तारीख को घटी है और 24 तारीख को माननीय विधायक के पास चिट्ठी आ गई है बाई पोस्ट। आज व्हाट्सएप, ईमेल और मोबाइल के ज़माने में बाई पोस्ट चिट्ठी आ रही है, तो वो भी उसमें भी इस बिंदु पे भी जांच निश्चित तौर पे होना चाहिए। किसी ने धमकी दी है या किसी ने मजाक किया है, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक जानकारी और चिट्ठी भेज कर इस तरह से जानकारी पहुंचना या मिलना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जांच, चिंता के साथ साथ ये जांच का भी निश्चित तौर पर विषय है और जो भी उसमें कार्रवाई किया, किसी ने अगर मजाक भी किया है तो इसकी जाँच होकर विधि सम्मत कार्रवाई।